करवा चौथ का त्यौहार हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन वह बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन उपवास रखती हैं और फिर रात में चांद निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा कर अपना व्रत खोलती हैं। इस साल 20 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया जा रहा है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई बार कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में इसे व्रत को लेकर कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज इन्हीं स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो एक लाइलाज बीमारी है जिसे आमतौर पर दवाओं और सही खान पान से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में इस दौरान व्रत रखते समय सावधानी बरतना काफी जरूरी है। अगर आप भी डायबिटीज की मरीज हैं और इस करवा चौथ व्रत रख रही हैं, तो इस दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई महिलाओं के लिए करवा चौथ एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन लंबे समय तक उपवास रहना मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को व्रत के दौरान ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी बातों का खास ख्याल रखना है। आपको सबसे पहले अच्छी तरह से हाइड्रेट रहना है। अगर आप करवा चौथ व्रत रख रही हैं, तो निर्जला उपवास शुरू होने से पहले ही खूब पानी पिएं। ऐसा करने से आप ज़्यादा समय तक हाइड्रेट रहेंगे और जिससे ब्लड शुगर के स्तर में बदलाव हो सकता है। और वहीं करवा चौथ के लिए दिन भर में खुद को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सरगी में हेल्दी फूड्स को शामिल कर सकते हैं। आप इसमें साबुत अनाज, सब्जियां और प्रोटीन जैसे हाई फाइबर वाले फूड्स आइटम्स को शामिल करें। इस दौरान प्रोसेस या चीनी युक्त फूड से बचें। अगर आपको चक्कर आना, कमजोरी या फिर तेज भूख का अनुभव होता है, तो तुरंत अपने ब्लड शुगर लेवल की जाँच करनी चाहिए। और शुगर लेवल में ज़्यादा उतार चढ़ाव के हालात में उपवास तोड़ना ही जरूरी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना व्रत खोलते समय भी ध्यान रखें कि आप हाई कार्ब या फिर शुगर रिच फूड से दूर रहें। खाने के लिए एक संतुलित डाइट चुनें जिसमें साबुत अनाज या फिर सब्जियां और प्रोटीन जैसे तत्व शामिल हों। और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्रत में आपको तनाव से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो कोशिश करें कि तनाव से पूरी तरह से दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस से ब्लड शुगर पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए माइंडफुलनेस और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज की मदद ले सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।